दिवाकर हौजी गर्ल्स वेयर मिलने का एकमात्र स्थान जहाँ मिलेगी फैंसी ड्रेस, जीन्स, टॉप, लेगी, कुर्ता, प्लाजो, कुर्ते, वो भी नए नए डिजाइन में। एक बार अवश्य बताएं। होम शॉपिंग शोरूम शादी विवाह के संपूर्ण फर्नीचर के साथ आपके घर को सजाना, फर्नीचर की अच्छी रेंज के साथ बाजार से कम दामों की गारंटी। हमारा पता हटा रोड हटा नाका गुलाब बाबा मंदिर के बाजू में दमोह। एक बार अवश्य पधारें। बर्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह जिले में लगातार दो दिन से हो रही बारिश के चलते जिले के सभी नदी नाले उफान पर आ गए हैं। इसके चलते हुए लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच दमोह जिले की हटा की सुनार नदी में भी सुबह से जल स्तर बढ़ गया। नाव घाट पर बिहारी जी सेवा समिति के द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई थी, जो नदी के बढ़ते जल स्तर में पहले घिर गई, फिर प्रतिमा तक नदी का पानी पहुँचा तो समिति के सदस्यों ने विधि विधान से पूजन अर्चन कर सब कुछ भगवान गणेश व माँ सुनार मैया पर छोड़ दिया। नदी का जलस्तर बढ़ा और पानी ने भगवान गणेश की आदि प्रतिमा को अपने आगोश में ले लिया। जैसे ही लगभग 11:40 पर गणेश प्रतिमा का अपने आप विसर्जन हो गया। इस अद्भुत नज़ारे को हजारों लोगों ने अपनी आंखों से देखा, वहीं कई लोगों ने इस पल को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। हटा में घटे इस अद्भुत चमत्कार की जगह जगह चर्चा व्याप्त है। वहीं समिति के सदस्य इसे भगवान की इच्छा मान रहे हैं, क्योंकि अनंत चतुर्दशी पर ही प्रतिमा का विसर्जन होता था, लेकिन इस वर्ष आपने अपने आप ही प्रतिमा का विसर्जन अपने आप हो गया। ये विगत 6-7 वर्षों से हम लोग यहाँ नाव घाट पर बिहार जी सरकार समाज सेवा समिति के तत्वाधान में गणेश प्रतिमा रखते थे और बड़े ही धूमधाम से हम लोग यहाँ पर गणेश प्रतिमा रखते थे और एक से एक जीवित झांकियाँ, जीव जंतु और अपनी संस्कृति को लेकर अनेकों झांकियों का जीवित चित्रण यहाँ पर करते थे। इस वर्ष गंगा माई के प्रकोप से भी बारिश हुई है उसके प्रकोप से, और इस बार हम लोग आज चौथे दिन यहाँ पर जो बाढ़ आई है, बाढ़ के कारण यहाँ का जो पंडाल है उसको खोलना पड़ा और विधि विधान से हम लोगों ने पूजा करने के बाद यहाँ पर पूजा की सुबह, और उसके बाद गणेश जी को उन्हीं के इच्छा अनुसार छोड़ दिया कि अब गणेश बप्पा जो आपकी मर्जी हो उस मर्जी के अनुसार आप कृपा बनाए रखें। और यहाँ एक अनूठा दृश्य देखने को मिला है कि किसी ने भी गणेश बप्पा को विसर्जन नहीं किया है। आचान ऑटोमेटिक 9 बजे से डूबे 11:39 पर अपने आप गणेश बप्पा का विसर्जन हो गया है और अब यहाँ का पंडाल वगैरह सब निकाल लिया है। अब आगे देखते हैं पंडित जी लोगों से पूछकर क्या व्यवस्था बनाई जाएगी।